सोहे और गेमर्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज के दिन मैं खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट, और इसी के साथ मैंने अपने क्राफ्टमैन वर्ल्ड को मैंने माइनक्राफ्ट में मैंने शिफ्ट किया है। और इसी के साथ ये देखो मैंने पोर्टल, इसे पता चल जाएगा कि मैंने किया है। देख लो ये रहे वो सारे टूल्स, बट इसमें बस यही बात है क्योंकि मेरे सब कोई नेदरराइट है। यस, डायमंड से सब कुछ नेदरराइट हो गया, और कुछ कुछ तो डायमंड था भी नहीं, उसे भी मैंने डायमंड बना लिया। और सिर्फ एक ही चीज़ मुझे काम की मिलती है इतनी देर में। चलो आ तो गया, ओ मैं उल्टा निकल रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। एंड ये रहा मेरा क्राफ्टमैन वर्ल्ड माइनक्राफ्ट के अंदर। और इसी के साथ देखो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की तब जाके इतनी चीज़ें मिली। और ये गोल्ड के जूते सही है, इन सब पे मुझे मेंडिंग मिली। बता नहीं सकता कितना ज़्यादा रेयर था ये, बट मुझे सब पे मेंडिंग मिल चुकी है। और इसी के साथ मैंने अपने फार्म को भी थोड़ा सा बिग किया है, बस थोड़ा सा। और मैं अपने वुडलैंड मेंशन को तो भाई देखना ही भूल गया, पूरा भूल गया, पूरा थोड़ा सा भी नहीं। और मैं आग में जल गया, चलो कोई बात नहीं। देखा भाई मैं जल्दी बुझ जाऊँगा। एंड ये क्योंकि माइनक्राफ्ट है तो फिर वीडियो बनाते बनाते ये लैग होगा, तो इस पे ध्यान देना बंद करें। वही सबसे ख़तरनाक मेरी तलवार नहीं, ये सेवेज पिकैक्स है, क्योंकि इसकी स्पीड देखोगे तब पता चलेगा। बताओ भाई किसकी डायमंड पिकैक्स इतनी तेज़ हो सकती है। हाँ लेकिन अगर क्राफ्ट्समैन की बात है तो मैंने एक चीज़ का तो आविष्कार किया है, वैसे मुझे 10 मिल गए, ज़रूरत भी थी। हाँ भाई सही सुना, मुझे ज़रूरत थी इसकी, ज़रूरत, क्योंकि मैंने मुश्किल वाला काम किया था। और जो आवाज़ है उस पर भी इग्नोर मारे, अभी एक मिनट, अभी ये एक लैग है। यस लिटरली ये एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लैग है। लैग नहीं, ये बस एक ग्लिच है। देखो पानी आ ही नहीं रहा, जैसे कि यहाँ पर कोई ब्लॉक है, लेकिन यहाँ पर तो कोई ब्लॉक है ही नहीं। एंड अभी रात होनी थी, क्योंकि मैं तो यहाँ पर बस शुगर केन फार्म दिखाने आया था अपना, ये रहा। एंड वैसे थोड़ा अलग दिखेगा, देखिए चलो कोई बात नहीं। शुगर केन फार्म भी बिल्कुल भी पुराना, अगर जो भी सोचते हैं वो बिल्कुल गलत है। माइनक्राफ्ट में खेल तो रहा हूँ लेकिन पता नहीं इतना लैग क्यों हो रहा है, मैं सच बता रहा। एक मिनट, चांद तो यहीं से दिख रहा है, देखो भाई न्यू मून वहीं से दिख रहा है। आज न्यू मून है क्या? देखो चांद की रोशनी, देखो भाई चांद निकल रहा है और सूरज अभी डूब रहा है, इसका मतलब एक ही है, मैं नहीं गया क्योंकि मैं पीसफुल हूँ। एंड जिन्हें भी नहीं पता कि माइनक्राफ्ट मोबाइल में खेलने पर कैसा होता है, तो मैं उन्हें दिखा दूँ कि ये सर्वाइवल है, इसमें जितनी भी चीज़ें क्राफ्टेबल हो सकती है या फिर होने चाहिए वो सब। और मौसी कॉबल स्टोन ये मैं शायद बना सकता हूँ, हाँ बना सकता हूँ। एंड ये रही कुछ ऐसी चीज़ें, देखो लैंटर्न्स, तो भाई ये कुछ ऐसा दिखेगा सर्वाइवल में। और ये जितना भी ये ऑप्शन है, पोजीशन के जो ऊपर लिखा है, मतलब जो मेरे कोऑर्डिनेट्स है उसके ऊपर जो लिखा है, वो मेरे हर्ट्स और सर्वाइवल की चीज़ें हैं जिसकी भी ज़रूरत है। जो वाइट वाइट चीज़ है वो मेरे आर्मर का, वो मेरे आर्मर की प्रोटेक्शन के बारे में है, और मेरा आर्मर अभी मुझे फुली प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब मैक्स लेवल प्रोटेक्शन पे हूँ मैं। जैसे मैं डायमंड भी पहनता तब भी मुझे मैक्स लेवल प्रोटेक्शन मिल जाती, लेकिन मैं बैडास हूँ इसीलिए मैंने सीधा नेदरराइट चुन लिया। अब मैं क्या करूँ, नेदरराइट डायमंड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट एक मिनट में सुबह उठ के बताता हूँ। एंड अब मैं बताता हूँ कि क्रिएटिव कैसे जाते हैं। सोने के बाद भी आप ऐसे कर सकते हो, मैं आपको बस ऐसे ही एक लाइन, उसके बाद मैं जो भी लिख रहा हूँ उसे ध्यान से देख लो।
और ये मैं इसीलिए कर पा रहा हूँ, गेम मोड सी। अब देखो भाई, जितनी भी चीज़ें थी वो सब गायब हो गई हैं। पोजीशन सही है, यो गेम मोड हैज़ अपडेटेड टू क्रिएटिव। अब देख लो भाई, जो हर्ट्स थे और बाकी के डिटेल्स थे भाई, वो पूरे गायब हो गए हैं पूरी तरह से। सो अब इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर जो ब्लॉक चाहो वो ले सकते हो। एंड ये मुझे इनकी ज़रूरत क्यों है, मैं चीटिंग नहीं करता। डेकोरेटिव स्टोन्स, ये इसकी मुझे ज़रूरत है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ई मुझे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एंड जिसे भी नहीं पता कि मेरे पास अभी तक नेदरराइट आर्मर आ गया, लेकिन अभी तक वैसे मैंने क्राफ्ट्समैन की फर्स्ट एपिसोड देखो, जो जैसे सर्वाइवल वे आने में बिल्कुल टाइम लगाता है, ये ऐसा नहीं है। इसका ना बस थोड़ा सा अगर टच भी कर दिया पोर्टल को, तभी उसके अंदर चले जाओगे। एंड मैं हूँ कहाँ पे, एंड चलो अभी गड़बड़ हो जाती है। प्रेस ओपन चार्ट टू ओपन चार्ट, जो मैंने किया था, ये जो बीच वाला है ऊपर में से, इसको करने वाला होता है चार्ट एंड कमांड्स। वन मिनट, टेलीपोर्ट हू नप, टेलीपोर्ट से पीछे जाओ, टाइम नहीं, वेदर रेन, क्लियर रेन, थंडरस्टॉर्म, एंड जिसे भी नहीं पता कि यहाँ पर मेरा ब्लेस्टर क्यों था, तो ये बात है कि वो जो नदर फोर्ट्रेस है वो यहीं पर है। देखो ये रहा वो नदर फोर्ट्रेस, इतना पास है, बट बस ये प्रॉब्लम है कि नदर फोर्ट्रेस के इधर उधर करने पर सर्वाइवल में मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल डैमेज हुआ था। मतलब मेरे लिटरली, मैं हार्ड मोड खेल रहा था और मेरे हार्ट्स टोटली थे 2, मतलब एक हार्ट और मैं गया था, मैं सब पे भाई मेंडिंग लगी है। तो अगर मैं गाइस एक भी और माइन करता हूँ, मैं थोड़ा सा भी और, तो मेरी चीज़ें रिपेयर होते जाएगी। उसको दिखाने के लिए मुझे फिर से वही उस कमांड का उल्टा लिखना होगा, वो है कहाँ गया गेम, क्या लिख रहा हूँ, ऐसा कोई कमांड नहीं है। गेम मोड डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा डिफ़ॉल्ट मोड क्रिएटिव है और मैं अभी भी क्रिएटिव में हूँ। एंड यहाँ पर दिखा रहा है क्या, सर्वाइवल करने के लिए एस, एंड देन आई एम नाउ सर्वाइवल। और गाइस हमें सारी डिटेल्स सब वापस आ गई, एंड इसी के साथ ही वही चीज़ थी जिसकी वजह से, देखो भाई वापस पहले जैसा हो गया। एंड रुको, मैंने कहा था ना कि सब कुछ ठीक कर सकता था, मैं अभी इसका प्रूफ देता हूँ। और मैं आग में जल गया, लेकिन कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं फुल नेदरराइट अभी पहना हुआ हूँ, सब में मेंडिंग है और मेरे पास नॉकबैक रेजिस्टेंस भी है। यस गाइस, सब में भाई नॉकबैक रेजिस्टेंस होता है हर एक आर्मर पीस में। और ये चुटकू क्या कर रहा है, इसको रहने दो, मुझे बस अभी ऊपर जाके कुछ क्वार्ट्ज सोर्स ढूंढने हैं। एंड जिन्होंने भी मेरी क्राफ्ट्समैन वीडियोस देखी हुई है, उन्हें तो पता ही होगा कि क्योंकि मैंने वीडियो के फर्स्ट में बता दिया था कि मैंने अपना क्राफ्ट्समैन वर्ल्ड शिफ्ट किया है माइनक्राफ्ट में, तो वो क्राफ्ट्समैन वर्ल्ड कैसा माइनक्राफ्ट में लगेगा, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो भाई अंदर मैंने बस एक छोटा सा रूम बनाया था क्राफ्ट्समैन में, मेरा वर्ल्ड बेस। और मैंने क्राफ्ट्समैन के थर्ड एपिसोड में मैंने शायद वो नेदर पोर्टल बनाया था। एंड मुझे अब थोड़ा ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, इन्हीं चीज़ों के लिए तो मैं टॉर्चेस रखता हूँ, जो अभी ख़त्म हो रही है, हो गई है। मतलब ग्लोशन में माइन कर रहा था और इतनी ऊपर से मैं गिरा हूँ, यस इतनी ज़्यादा ऊपर से मैं गिरा हूँ। और नदर में मेरी पिकेक्स की स्पीड देखो ज़रा, मतलब सीधा गॉड हूँ मैं, गॉड, मतलब क्रिएटिव की स्पीड आ रही है मुझे, बिल्कुल भाई क्रिएटिव की फीलिंग आ रही है। लगता ही नहीं कि मैं सर्वाइवल खेल रहा हूँ, क्रिएटिव में यार पूरे गॉड होते हो, उस आपको मारने वाला तो कोई है नहीं। टच भी अगर करके अगर थोड़ा सा भी डैमेज हो जाता है ना क्रिएटिव में, मैं नोबल प्राइज दूँ, क्योंकि क्रिएटिव में डैमेज होना इम्पॉसिबल है। सो मैं अभी ऊपर चलते रहता हूँ, क्योंकि भाई ऊपर क्वार्ट्स है, और मैं अभी दिखाता हूँ, बस मेरी इस पिकेक्स को देखना, मतलब इसे बस देखते रहना, उसके बाद एक मिनट में टॉप पर आ गया। यस यही है वो वाइट वाइट चीज़, इसे माइंड करने पर मेरी पिकेक्स ठीक हो सकती है, बस मेरी पिकेक्स को देखते रहना, मेरी पिकेक्स को बस ध्यान से देखो, उसके बाद
पता चल जाएगा कि इसमें मेंडिंग में क्यों लेता हूँ। देखो भाई थोड़ी सी बढ़ गई है, जिन्हें भी ध्यान से दिख रहा होगा ना वो बता सकते हैं कि थोड़ी सी बढ़ गई है। और अभी बहुत तेज़ी से माइन हो रहा है, जो दिख भी नहीं रहा था कि मेरे पास है क्या। चलो तो भाई मैंने माइन तो कर लिया, एक मिनट, एक ब्लॉक छूट रहा है, मतलब दो। अब एक रख ही लेता हूँ, 30 लेने में क्या जा रहा है। एंड सच में भाई नेदर फोर्ट्रेस से मुझे जो, अगर एक मिनट, अगर मेरे वर्ल्ड का अगर कोई सीड नोट करना चाहता है तो मैं उसे बता दूँ कि मेरे वर्ल्ड का सीड मेरे वीडियोस के क्राफ्टमैन के फर्स्ट एपिसोड में ही पता चल जाएगा। लिटरली अगर कोई चाहे तो मैं उसे अलग अलग तरीके के सीड्स दे सकता हूँ जो सच में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन मैं उन्हें अगली वीडियो में दूंगा। एंड जो मैंने कहा था वुडलैंड मेंशन है, उसके बारे में मैंने अभी तक भाई क्राफ्ट्समैन में मैंने अभी तक बताया नहीं है, लेकिन बाद में देख सकते हैं कि उसे क्राफ्ट्समैन में, लेकिन अभी तो बस ये माइनक्राफ्ट में इसे देखा गया है। एंड इस हाउस को तो यार आई थिंक मैंने पब्लिश कर दिया, आई थिंक कि मैंने कर दिया, बट मैंने काफ़ी मेहनत की तब जाके ये घर बनाया और इसमें कुछ एडेंट्स है, मतलब भाई ना जो क्राफ्ट्समैन में नहीं होता है वो माइनक्राफ्ट के अंदर है, मतलब जैसे ब्लास्ट फर्नेस, स्मोक, ये स्मोकर जो मेरे बेड, ये जो मेरी येलो बेड के लेफ्ट साइड में है। हाँ, येलो बेड से याद आया भाई, क्राफ्ट्समैन में ना सिर्फ रेड कलर का बेड होता है। उसी के साथ ये रहा जो यहाँ पर, ये रहा एनविल, देखो ऊपर नाम भी लिखा है बिल्कुल यहाँ पे, रिपेयर एंड नेम जहाँ पे लिखा है उसके ऊपर देखो एनविल। अब ये रहा स्टोन कटर, जैसे ये दोनों बॉक्सेस हैं उसके ऊपर, और इसका नाम ब्लास्ट फर्नेस। ये मेरी दूसरी फेवरेट टूल है, मतलब टूल नहीं ये बस एक चीज़ है, बट ये बस मेल्टिंग के लिए काम आता है। और ये फर्नेस, ये तो होता है क्राफ्टमैन में, बस क्राफ्टमैन में स्मूथ स्टोन नहीं होता जिसे फर्नेस से बनाया जा सकता है। ऑब्जर्वर, डे लाइट सेंसर, मुझे सच में बनाना है, सच में ये नहीं बनाया तो हद हो जाएगी। बस अब एक ब्लेज रॉड चाहिए, सभी की कमी पड़ रही है। पिस्टन, आयरन इंगट, ओकवुड्स, रेड स्टोन डस्ट, मैं सब बना सकता हूँ, बस सब कुछ जो भी दिखा रहे हैं। रेड स्टोन कंपरेटर, स्टोन, हाँ ऐसी चीज़ें मत दिखाना। टू ब्लॉक, ये जो है ना भाई, ये जो है मतलब इनसे मिलता है कितना सारा, देखो द क्राफ्टिंग टेबल में अगर स्लैब्स, स्टेयर्स और वॉल्स बनाओगे तो कितना मिलेगा, इन्हें मिला के 12 और इन्हें मिला के भी 12, इन्हें मिला के भी 12, बट इसका कुछ और ही फ़ायदा और भी ज़्यादा हो सकता है। देखो भाई बस ये 12 कॉबर स्टोन यहाँ रखने हैं। सो आप देखो इन सब से, देखो एक इसका, एक इसका, एक इसका, मतलब भाई सिर्फ एक एक में पूरा एक चेयर बन जाता है, लेकिन उस, लेकिन उन सब में बनाने के लिए पूरे 6 स्टोन्स लगते हैं एक चेयर बनाने में, इसमें बस एक स्टोन, और ये तो एक स्टोन में 2 स्लैब बना देता है। यकीन नहीं होता तो फिर अंदर ज़रा मेरी इन्वेंट्री देख लो, देखो भाई ये इतना ज़्यादा काम की चीज़ है। सो इसीलिए तो ये माइनक्राफ्ट मुझे ज़्यादा पसंद है। और जो नेदरराइट टूल्स है उन्होंने डायमंड से बदला था स्मिथिंग टेबल में, और जिन्होंने भी मेरी सर्वाइवल जर्नी देखी क्रिएट, मतलब कि क्राफ्टमैन की, उन्हें तो पता ही होगा कि मेरे पास तो डायमंड तो होने से रहे, बट मैं माइनिंग करने गया था, मेरे पास प्रूफ है, और मेरे पास टोटल 40 डायमंड्स आए थे पर मैंने उसका 36 बना दिया। अब मैं क्या करूँ, और मेरे पास सिर्फ एक आयरन बचा है, मेरी गलती थी, मैं इन सबको रिपेयर कर दिया, जितना आयरन था मेरे पास सारा बचा हुआ इससे रिपेयर कर दिया। और ये 6 गोल्ड, मेरी बहन ने एक और वीडियो की थी, मेरी बहन के बोलने की वजह से यहाँ पे 2 शूज बन गए जबकि मुझे सिर्फ एक बनाना था। चलो कोई बात नहीं। ओहो 5 सैंड, मेरे पास 5 सैंड हैं, तब मैंने क्यों नहीं किया इन्हें यूज़। और 6 ये भी है, इसका मतलब एम पी पास जितना रेड स्टोन था भाई मैंने सबको, यार लगता है यहाँ पे रेड स्टोन ब्लॉक बना दिया। एक्चुअली मैं जितनी माइनिंग से लाया था क्या मैंने सिर्फ उतने को ही बनाया, हाँ
मैं जितने माइनिंग से लाया था लगता है मैंने सिर्फ सच में उसको सिर्फ उतने को ही लाया है। अब जगह कम करने के लिए इन्हें भी ब्लॉक्स बना देता हूँ। कितने ब्लॉक्स बनेंगे मुझे मतलब नहीं है, बस बन जाए 19। बाप रे, जल्दी से जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, प्लीज़ 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 जल्दी जाओ यार, कितना टाइम लगा रहे हैं। ओह 23 ब्लॉक ऑफ रेड स्टोन्स एंड एक्स्ट्रा क्या है 5। ओके चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे जाओ, ये रहा 23, ये रहा 5। आई थिंक भाई आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, सो बाय।